नमस्कार दोस्तों, आज हम हमारे YouTube चैनल पर फिर से एक बार इकट्ठा हुए हैं। आज हम बात करेंगे GST में 27 जून 2020 को एक नोटिफिकेशन आई 55/2020। इससे पहले कि मैं आगे की डिस्कशन शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन, ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्डिंग ऑफ दिस वीडियो से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा इस सब्जेक्ट में आपके लिए काम करता रहूं। दोस्तों, 55/2020 27 जून 2020 को एक नोटिफिकेशन आई, जो कि जो 3 अप्रैल 2020 की नोटिफिकेशन 35/2020 को अमेंड करती थी। बेसिकली आप सब जानते हैं कि एक जनरल नोटिफिकेशन आया जिसमें ये कहा गया कि अगर कोई भी काम जनरल कंप्लायंस, कोई भी स्पेसिफिक कंप्लायंस जो है 20 मार्च 2020 और 29 जून 2020 में फॉल होगा, उसकी लास्ट डेट 30 जून 2020 हो जाएगी। अब वो 55/2020 में 27 जून को जो नोटिफिकेशन आई उसकी लास्ट डेट को 30 जून से एक्सटेंड करके 31 अगस्त कर दिया है। इसमें दो बातें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, क्या क्या इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में कवर्ड है और क्या क्या इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में कवर्ड नहीं है, किन किन बातों के लिए लास्ट डेट 31 अगस्त हो गई है और किन किन बातों के लिए लास्ट डेट 31 अगस्त नहीं है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो गया है सारा इस समय कोविड-19 के दौरान, बट कोई बात नहीं, हम सब अपनी अपनी पूरी कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा इस बात को सिंप्लीफाई करने की। क्या इस नोटिफिकेशन के अंदर इंक्लूडेड है 20 मार्च 2020 के और 29 अगस्त 2020 के बीच में अगर मैं जो बातें बता रहा हूं ये कोई भी फॉल होगी तो उसकी डेट 31 अगस्त ऑटोमेटिकली हो जाएगी। उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या क्या इस पर्टिकुलर पीरियड के एक्सेप्शंस हैं, इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के एक्सेप्शंस हैं कि उनके ऊपर ये रिलैक्सेशन नहीं लगता। पहला, अगर आपने 20 मार्च 2020 से 30 अगस्त 2020 तक कोई भी शो कॉज नोटिस का रिप्लाई करना है तो उसकी लास्ट डेट 31 अगस्त हो गई। सिमिलरली आपने कोई सम्मंस का रिप्लाई करना है तो लास्ट डेट 31 अगस्त हो गई। आपने कोई LUT अप्लाई करनी है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, 31 अगस्त लास्ट डेट है। आपने कोई अपील फाइल करनी है, 31 अगस्त लास्ट डेट है। आपने कोई रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी थी और उसकी लास्ट ड्यू डेट जो है इस पर्टिकुलर पीरियड में फॉल होती है तो उसकी लास्ट डेट ऑटोमेटिकली 31 अगस्त हो गई। आपका जो 180 दिन वाला पीरियड है जो इस पर्टिकुलर पीरियड में फॉल होता है, लैप्स होता है, तो उसको भी 31 अगस्त को ही माना जाएगा। इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई भी और आपका कंप्लायंस जो इस संबंधित होगा वो आपका 31 अगस्त लास्ट डेट होगी। इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, मतलब इस नोटिफिकेशन के दायरे से बाहर होगा और वो अपने रूटीन के जो भी टाइम पीरियड लॉ में प्रिस्क्राइब है वो उनके साथ रहेगा। सबसे पहले शुरुआत की है उन्होंने टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई से, तो चैप्टर 4 ऑफ द एक्ट का जो भी टाइम पीरियड उन्होंने सेक्शन 12, 13, 14, 15 ऑफ CGST एक्ट में दिया है वो एज इट इज रहेगा, उसके ऊपर ये नोटिफिकेशन लागू नहीं होगी। फिर उसके बाद कंपोजिशन सप्लायर को जो कंपोजिशन ऑप्ट करनी होती है उसका टाइम पीरियड यहाँ नहीं इंक्लूड होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन आउटसाइड द प्रीव्यू, रजिस्ट्रेशन में 30 दिन में अप्लाई करना है, वो सब चीजें करनी है, वो सब वैसा का वैसा ही रहेगा। आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन से रिलेटेड कोई भी आपको एक्टिविटी करनी है वो आउटसाइड दिस नोटिफिकेशन है। आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना है सेक्शन 31 में, आउटसाइड दिस नोटिफिकेशन है। वहां जो 30 दिन 60 दिन का जो भी समय दिया गया है आपको उसके हिसाब से ही आपको करना है, या जो भी समय दिया गया है सेक्शन 31 में उसके हिसाब से आपको टैक्स इनवॉइस इशू करने हैं। इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। उसके बाद आपने आउटवर्ड सप्लाई जो GSTR 1 सेक्शन 37 में फाइल करना है, इस नोटिफिकेशन में आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं है। उसके बाद सेक्शन 39 में जो आपको GSTR 3 भी सप्लाई करना है, फाइल करना है, उसमें भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है एक्सेप्ट 3 फॉर्म्स GSTR 5, 6 एंड 7। 5 जो है वो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए, 6 जो है वो ISD के लिए और 7 जो है वो टैक्स डिडक्टेड सोर्स के लिए। इन तीनों की डेट 31 अगस्त हो जाएगी। जिसकी भी डेट इस पर्टिकुलर पीरियड में फॉल होगी इसमें उसकी डेट ऑटोमेटिकली 31 अगस्त मान सकते हैं। उसके बाद आपको लिव्यू ऑफ लेट फी में टाइम पीरियड जो भी खत्म हो रहा है वो सेक्शन 47 के हिसाब से होगा, वहां पर यह नोटिफिकेशन अप्लाई नहीं होगी। उसके बाद सेक्शन 50 में ब्याज का, सेक्शन 68 में ईवे बिल का भी टाइम पीरियड ईवे बिल के हिसाब से चलेगा, इस पर इस नोटिफिकेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पावर टू अरेस्ट में इस नोटिफिकेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लायबिलिटी टू ऑफ फर्म टू पे टैक्स में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस
उसके ऊपर कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और डिटेंशन सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस उसके ऊपर सेक्शन 129 के ऊपर भी कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आई होप कि आपको ये बात सारी समझ में आई होगी कि कहाँ कहाँ ये रिलैक्सेशन दी गई है और कहाँ कहाँ नहीं दी गई है। आप बिल्कुल कन्फ्यूज ना हो, इसको एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं ताकि आपको क्लैरिटी से समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ इस रिलैक्सेशन का बेनिफिट है और कहाँ कहाँ नहीं है। दोस्तों प्लीज ध्यान रखिए इस बात का, गलती हो जाएगी तो भविष्य में इसका जो नतीजा है वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकता है। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।